वेलकम बैक दोस्तों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों मेरा नाम पीयूष है और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद पीयूष। दोस्तों उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कैप्टन बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले कहा था, या तो मैं भारत की जीत का तिरंगा लहराता हुआ लौटूंगा या इसमें लिपटा हुआ। दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है, हम सब स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है, यह हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र सेनाओं बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन निछावर किए हैं। दोस्तों चलो हम जानते हैं तिरंगे के बारे में, उसके तीनों कलर के बारे में और अशोक चक्र के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं केसरिया रंग यानी भगवा रंग, वैराग का रंग। हमारी आजादी के दीवानों ने इस रंग को सबसे पहले अपने ध्वज में इसलिए सम्मिलित किया था जिससे आने वाले दिनों में देश के नेता अपना लाभ छोड़कर देश के विकास में खुद को समर्पित कर दें। जैसे भक्ति में साधु वैराग लेकर मोह माया से हटकर भक्ति का मार्ग अपनाता है। दोस्तों अब बात करते हैं सफेद रंग के बारे में, जो राष्ट्र की शांति, शुद्धता और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। शांति की स्थिति को कायम रखने के दौरान मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के नेतृत्व के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं को ये स्मरण कराता है। अब दोस्तों बात करते हैं, तो हरा रंग विश्वास, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति को दर्शाता है। ये पूरे भारत की धरती पर हरियाली को दिखाता है। ये भारत के नेताओं को याद दिलाता है कि उन्हें भारत की मिट्टी की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा करनी है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अशोक चक्र की। दोस्तों अशोक चक्र को धर्म चक्र या विधि का चक्र भी कहा जाता है। तो इस चक्र को ध्वज पे प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। भारतीय चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। आप दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे होंगे 24 तीलियां। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं इसको स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं कि 24 तीलियां क्या कहती हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, केसरिया रंग हिंदू धर्म को बिलोंग करता है और हरा रंग मुस्लिम धर्म को बिलोंग करता है। तो साथ ही सफेद रंग सारे धर्मों को दर्शाता है। दोस्तों सभी धर्मों को जोड़ने के लिए ही तीन रंगों के कपड़ों को जोड़कर तिरंगा बनाया गया है। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि इसे हमने राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। इसकी प्रतिष्ठा राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, इसका अपमान राष्ट्र का अपमान है। इसलिए तिरंगे की शान के लिए आज तक हजारों लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसी बलिदान का परिणाम है कि आज हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगा झंडा अपने सर्वोच्च स्थान पर गर्व के साथ फहरा रहा है। हमें अपने देश की एकता व अखंडता पर गर्व है और ये हमें होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो वो कृपया करके लाइक और कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों आपका साथ रहेगा तो हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।